बाल बची है, लोहे के बोर्ड में टकराकर बड़ी मुश्किल से बची है ये बस, मुश्किल से बस रुकी और बाल बाल बची। 50 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे, यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती अगर बस पलट जाती। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, खिड़की से कूदकर यात्रियों ने जान बचाई है और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बुररा मोड़ पटेवा के पास यह हादसा हुआ है, रायपुर से सरायपाली जा रही थी ये बस, लेकिन बीच में ही एक खंभे से टकराने की वजह से बस पलटते पलटते बची है। लोहे के बोर्ड में टकराकर बड़ी मुश्किल से जो बस है वो रुकी और 50 यात्री जिनकी जान पर बात आ सकती थी लेकिन गनीमत रही। देखिए खिड़की से उतरते वक्त ये यात्रियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। छोटा सा बच्चा, कई बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस बस में सवार थे जिन्हें बमुश्किल बाहर निकाला गया है। वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना जवाब कौन देता। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है, लोहे के बोर्ड से बस टकराई, लेकिन हुआ कैसे यह हादसा, ये बड़ा सवाल है और अब जांच पड़ताल चल रही है क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। रायपुर से सरायपाली की ओर जा रही थी ये बस, सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है, उसको लेकर भी जांच की जा रही है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें काफी ज्यादा डरा देने वाली। वो तो गनीमत रही कि बस नहीं पलटी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे तैसे यात्रियों ने खिड़की से कूद कर अपनी जान बचाई। शेख इमरान संवाददाता साझा कर रहे हैं। शेख इमरान, आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्या जानकारी इस बारे में मिल पाई है? ये अंशिका देखिए, जब यात्री बस जो है रायपुर से सरायपाली जा रही थी, उसी दौरान जो है बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई और झपकी आने से की वजह से जो है बस वो लोहे के बोर्ड से जा टकराई और बड़ी मुश्किल से रुकी। इस दौरान जो है काफी जोरदार टक्कर हुआ, तो यात्री उसमें बैठे हुए थे करीबन 50 की संख्या में और अफरा तफरी मच गया। एक मासूम छोटा सा बच्चा है, उसे भी बड़ी मुश्किल से खिड़की के रास्ते निकाला गया और ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला है। अगर इस दौरान वो बस पलट जाती या फिर कुछ होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सवारी से भरी बस पलटते पलटते बची, जिसके वजह से कई लोगों की इस हादसे में जान बची है। और ये जो हादसा हुआ है ये बुर्रा मोड़ पटेवा के पास हुआ है और तत्काल जब पुलिस को सूचना मिलती है तो महासमुंद पुलिस और पटेवा पुलिस वहां पर पहुंचती है और बड़ी मुश्किल से यात्रियों को बस की खिड़की से निकाला जाता है, क्योंकि ये बस जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और ये तेज रफ्तार का कार है और इसमें पूरी तरह से लापरवाही है यात्रियों बसों का, क्योंकि वो जिस तरह से बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी। अगर वो ट्रक जो है वो किसी ट्रक से जा टकराता या फिर बस खाई में गिर जाता या पलट जाता तो निश्चित तौर पर यात्रियों की जान पर आफत बनाती है और आफत तो बन आई, क्योंकि तमाम जो यात्री है वो किसी तरह इस बस से निकलकर अपनी जान बचाया। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित है और इस पूरे मामले को लेकर अब जो है महासमुंद पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन कितने यात्री इसमें सवार थे, क्या था, इस बारे में नजर बनाए रखिएगा शेख इमरान, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर की बात करेंगे जहां कुएं में उतरे युवक की मौत हो गई है। कुएं में सफाई करने के लिए ये युवक उतरा हुआ था, जहरीली गैस के रिसाव की आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने कुएं से शव को बाहर निकाला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह पता चलेगी। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के चिस्दा गांव में यह हादसा हुआ है। अक्सर ऐसे कुएं जो कि मौत को दावत दे रहे हैं, इसमें लोग उतरते हैं लेकिन दोबारा नहीं लौटते, कुछ ऐसा ही मामला यहां पर देखने को मिला। और अब ये सवाल कि आखिर इन कुओं का इलाज समय रहते क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर क्या वजह है जो इन कुओं को लेकर अब तक कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और अब खबर बिलासपुर से है जहां सिम्स के जूनियर डॉक्टर को स्वाइन फ्लू हो गया है। सीएमएचओ कार्यालय के पीजी हॉस्टल में डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर का होम आइसोलेशन किया गया है। जिले में अब तक
11 स्वाइन फ्लू के मरीज आ चुके हैं सामने। अब तक 3 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके लोग जो हैं वो सबक नहीं ले रहे। सावधानी ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन सावधानी को ही नजरअंदाज किया जा रहा है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, स्वाइन फ्लू के लगातार केसेस आ रहे हैं, अब डॉक्टर भी इसके चपेट में आ गए हैं। सवाल ये कि क्या लोग जागरूक नहीं है? देखिए, लगातार बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के मरीज जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 11 एक्टिव केस हो चुके हैं, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। अब तो जो इस की बीमारी का जो इलाज करता है वो भी इसके जद में आ रहा है। जूनियर डॉक्टर है सिम्स में, वो इस स्वाइन फ्लू के जद में आ गए हैं। हालांकि उनका होम क्वारंटाइन कर उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के लिए वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिले में लगातार जल जलित बीमारियों के अलावा देखा जा रहा है कि मलेरिया, डायरिया और इसके साथ ही स्वाइन फ्लू का जो खतरा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस पूरी जो सिम्स के डॉक्टर के पॉजिटिव आने के बाद उनके जो साथ में रहने वाले जो अन्य स्टूडेंट और जो अन्य जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका भी परीक्षण किया जा रहा है, उनके भी सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही जो 11 मरीज मिले हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये उनके जद पर कौन कौन आया है, ताकि उनको समय रहते हुए होम क्वारंटाइन कर उनका इलाज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उनके सामने लगातार स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 3 गंभीर मौतें भी इस स्वाइन फ्लू की वजह से हो गई है। फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है, सभी को हिदायतें दी जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का वो पालन करें। जो कोरोना गाइडलाइन में नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया था, उसी को स्वाइन फ्लू के तहत भी पालन किया जाना चाहिए। फिलहाल देखना यह होगा कि इसके रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से और आगे कार्रवाई करता है, ताकि जो लगातार बढ़ते मामले हैं पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जा सके। बिल्कुल, और जरूरी है भी यहां पर, क्योंकि लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और 3 मौत के बाद भी अगर कोई सबक नहीं ले रहा तो यह नुकसान है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल शुरू हो चुकी है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर को लेकर भारी गुस्सा है। एक दिन की हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स बैठे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं ठप हो गई हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू रहेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने की मांग की जा रही है। डॉक्टरों को जिस तरीके से यहां पर गुस्से में देखा जा सकता है, उनका यही कहना है कि न्याय हो, न्याय मिले, जस्टिस मिले इस मामले में और कार्रवाई हो। युगल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, डॉक्टरों का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्या अब कोई बात बनी है या अभी भी जारी है? जी देखिए, हालांकि डॉक्टर्स ने कॉल अप कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के और खास करके रायपुर के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने एक दिवसीय विरोध स्वरूप धरना आज किया है और तमाम जो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके जो ओपीडी है उस पर कामकाज बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मरीज को परेशानी होगी। और जिस तरह से कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह की जो घटना घटित हुई है, मर्डर हुआ है, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, तो उस जो उसका जो आक्रोश है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लिए ऐसे जो सुरक्षा है वो मुहैया कराया जाए, ताकि इस तरह के जो अप्रिय घटना है और इस तरह की जो घटना है वो कभी ना हो, तो उसे लेकर के अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब सबस जो जूनियर डॉक्टर हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ये सांकेतिक है। हालांकि कॉल ऑफ हो चुका है तो कई डॉक्टरों में असमंजस की स्थिति थी कि कॉल ऑफ हो जाने के बाद इस तरह के धरना प्रदर्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन यह है कि अब जूनियर डॉक्टरों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और अब क्योंकि गुस्सा है, आक्रोश है डॉक्टरों में और इंतजार है न्याय का। बिलासपुर में डायरिया से महिला की मौत हो गई है। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। सिम्स में महिला भर्ती थी। जिले में अब तक डायरिया के 900 से भी ज्यादा मरीज आ चुके हैं। 10 से 12 मरीज तो रोजाना आते हैं जो कि डायरिया के चपेट में हैं। बावजूद इसके अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। एक बार फिर से डायरिया के इस प्रकोप में, डायरिया के इस बीमारी में एक महिला की मौत हो गई है। उमेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उमेश, डायरिया को लेकर क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? क्यों लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है? आखिर क्या वजह है और इस महिला की मौत को लेकर क्या जानकारी?
देखिए उल्टी दस्त से पीड़ित ये महिला थी। तिफरा इलाके में लगभग 4 से 5 लोग जो हैं वो स्विम्स में एडमिट थे और जो इलाज के दौरान इस महिला की 33 वर्षीय सुनीता की जो है वो मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इसे डायरिया था और जिस तरीके से जिले में लगातार डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है, अब तक 900 से अधिक जो मरीज है वो निकल कर सामने आ गए हैं। वहीं इस महिला के मौत के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जल जनित जो बीमारी है वो लगातार बिलासपुर जिले में देखने को मिल रही है, यही वजह है कि मलेरिया और डायरिया जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। 900 से अधिक जो है वो डायरिया के मरीज है, वहीं 155 मरीज जो हैं वो मलेरिया के अब तक मिल चुके हैं। हालांकि 2 अभी एक्टिव केस है मलेरिया के, वहीं डायरिया के लगभग 45 से अधिक एक्टिव केस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोगों की कहीं ना कहीं यहां पर जो खामियां हैं, जल जनित बीमारी जो है, आसपास में जो गंदगी है और जो दूषित जो भोजन करने की वजह से इस तरह के जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से जरूर पहल कर रहा है, कैंप लगाया जा रहा है, कैंप के जरिए उन इलाकों में मुनादी भी की जा रही है जहां पर ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, ताकि उन मरीजों की पहचान कर उनको तत्काल ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरा जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि एक महिला की मौत हुई है, उसके बाद किस तरीके से प्रशासन और उन इलाकों पे क्या कुछ एक्टिव डायरिया जैसी बीमारी पर अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो ये फैलता ही जाएगा। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। भिलाई के लोगों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है और आज से सिर्फ एक ही समय पानी की सप्लाई होगी। आधे शहर में सुबह तो आधे शहर में शाम को पानी की सप्लाई की जाएगी। 1 घंटे से घटाकर 45 मिनट कर दी गई है पानी की सप्लाई की समय सीमा। शिवनाथ नदी में बने इंटरक्वेल के ट्रांसफार्मर में खराबी आई है, स्टैंड बाय ट्रांसफार्मर से ही काम चल रहा है। टंकियों के नहीं भरने की वजह से पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है और करीब 5 लोगों को पानी की किल्लत हो सकती है, 5 लाख लोगों को पानी की किल्लत हो सकती है। आधे शहर में सुबह तो आधे शहर में शाम को पानी की सप्लाई होगी। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आज दिन पानी की समस्या हो रही है भिलाई में, आखिर क्या वजह है? निश्चित रूप से सही कहा आपने कि आए दिन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, खासतौर पर भिलाई वासियों की जो परेशानी है वो बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी कारण वजह से उन लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। अभी ताजा मामला ये है कि जो इंटक वेल है, शिवनाथ नदी में बना इंटक वेल है, जिसमें जहां पर ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, इसीलिए स्टैंड बाय ट्रांसफार्मर से ही काम चल रहा है, लेकिन उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो सभी पानी की टंकियों को भर सके, इसलिए धीरे धीरे पानी की टंकियां भर रही है। इस वजह से आधे शहर में सुबह और आधे शहर में शाम को पानी की सप्लाई की जाएगी, वो भी जो क्षमता है उससे कम ही पानी भरा जा रहा है। ऐसे में जो लोगों को पानी मिलता था, 1 घंटा पानी मिलता था, अब वो 45 मिनट ही मिलेगा। मतलब जो जिनके यहाँ सुबह पानी आया है वो शाम को पानी नहीं आएगा। 1 घंटे जो पानी की सप्लाई होती थी वो 45 मिनट की होगी। ये कब तक ठीक हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको ठीक कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन इस तरह की समस्याएं होती है, आए दिन ये देखा जाता है कि कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, साफर में कचरा फंस गया है। ये पहले से मालूम है, उसके बावजूद भी प्रबंधन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, इस ओर लापरवाही बढ़ती जाती है, यही वजह है कि लोगों को परेशान होना पड़ता है। और जैसे देखिए ये बता रहे हैं कि करीब 5 लाख आबादी को पानी नहीं मिल पाएगा, उनको सफर करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में लोगों को सतर्क ही रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, पानी बचाकर चलना होगा, अन्यथा नगर निगम के पास में 1 घंटे जो पानी की सप्लाई होती थी अब वो भी 45 मिनट हो जाएगी। तो इससे समझा जा सकता है कि पानी को कितना बचाना है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। आगे बढ़ेंगे और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में ट्रेन यात्रियों के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है। रेलवे ने बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 24 अगस्त से 9 सितंबर तक अलग अलग दिनों में 47 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 8 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। उमरिया और दमोह स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग काम की वजह से ट्रेन को रद्द किया गया है। एक बार फिर से जो ट्रेन यात्री हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो सफर के लिए सोच रहे थे इस डेट पर। हालांकि अब उन्हें अपना प्लान आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि 47 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है तो 8 ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। रेल यात्रियों की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ने वाली है और अब ट्रेन के आधुनिकीकरण को लेकर के 46 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। वहीं 8 ट्रेनें हैं जिनके
गंतव्य है जो उसको बदला गया है वो उसे डाइवर्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंटरलॉकिंग की वजह से मध्य प्रदेश में जो इंटरलॉकिंग होगा तो उसके कारण से 40 ट्रेनों को अब फिर से रद्द कर दिया गया है। और इस तरह से ट्रेनों को रद्द करने की वजह से त्यौहार के सीजन में आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर चुनिंदा जो ट्रेनें हैं वही आ रही है, और इससे पहले भी सैकड़ों ट्रेनों को कोविड काल के दौरान से अब तक रद्द किया गया है। और त्यौहार का सीजन है तो ऐसे में आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खास बात यह है कि 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक ये जो 46 ट्रेनें हैं वो रद्द रहेंगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर में हाईवे पर अक्सर ट्रकों को सड़क के दोनों ओर बेतरतीब खड़ा कर दिया जाता है। इस कारण कई बार हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तेज रफ्तार गाड़ियां कभी भी सड़क किनारे खड़े ट्रकों को टकरा जाती हैं। लाखों रुपए खर्च कर पास में ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया, लेकिन चालक वहां हैवी व्हीकल्स पार्क नहीं करते। दूसरे राज्य से आए ट्रक चालक सड़कों पर ही ट्रक खड़ा कर रहे हैं, और अभी भी यही सिलसिला है। आप देखिए कि अगर रोड आधे से ज्यादा हिस्सों में ट्रक से ही भरा हुआ है तो फिर आवाजाही में समस्या कैसे नहीं होगी। हाईवे पर हादसों को दावत देते ये ट्रक। वजह ये है कि गाड़ी घोड़ा लगाने का जगह नहीं, पार्किंग मिलते हैं, इसका कारण में लगाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट नगर कितना दूर पड़ता है यहाँ आप लोग? यहाँ से तो भिलाई ट्रांसपोर्ट नगर 30 किलोमीटर है। अच्छा, और इधर बनपुरी वाला? इधर बनपुरी वाला अपना विधान से उसका का बंजारी मंदिर जी 15-20 किलोमीटर, इसीलिए यहाँ पर लगाया। कैसे करते हैं बरसात के दिन? बरसात के दिन में लगाने का जगह नहीं मिलता तो रोड साइड में लगेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं NH-30 पर, और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको लगेगा भले ही ये NH-30 लेकिन पूरी तरह से आपको ये ट्रांसपोर्ट नगर नज़र आएगा। देखिए एक दो नहीं बल्कि NH के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां हैं, हैवी जो गाड़ी हैं व्हीकल्स हैं वो लगातार खड़ी हुई हैं, और ये गाड़ी हादसों को निमंत्रण दे रही हैं। दरअसल अंधेरे में जो आम जो राहगीर हैं, जो वाहन चालक हैं, तेज रफ्तार से आते हैं और इसमें दुर्घटना की संभावना है वो लगातार बने रहती है। लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर में जो वाहन है वो खड़े नहीं होते हैं, और इसी तरह से बेतरतीब तरीके से नेशनल हाईवे के दोनों ओर ट्रकों को खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस इन्हें आकर के हटाती जरूर है, लेकिन यातायात पुलिस कभी यहाँ पर बस नहीं चल रहा है, और थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ पर सड़क के दोनों ओर जो गाड़ी है बेतरतीब तरीके से खड़ी कर दिया जाता है, और यही वजह है कि आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। राजधानी रायपुर में 1 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही है, लेकिन सड़क के दोनों ओर इस तरह से वाहनों को खड़ा करके हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। चिरमिरी में राशन की दुकान में छापेमारी की गई है, खराब चावल यहां से मिला है, चावल से बदबू आ रही है। SDF ने गोदाम और दुकान को सील कर दिया है। अनाज रखने के लिए जगह तो है लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि वो फ्रेश है या खराब हो चुके हैं। यहां पर कई किलो चावल रखे हुए हैं चिरमिरी में राशन की दुकान में। अचानक से जब छापेमारी की गई तो पता चला कि बदबूदार चावल यहां पर रखे हुए हैं, जिसके बाद SDM ने गोदाम और दुकान दोनों को ही सील कर दिया। अंबिकापुर में त्योहार को देखते हुए फूड एंड सेफ्टी विभाग अलर्ट हो चुका है। मिलावटी और खराब मिठाइयों की जांच भी हो रही है। कई दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए लैब में सैंपल भेज दिए गए हैं। मिलावटी और खराब मिठाइयों की जांच चल रही है। कई दुकान ऐसे हैं जहां पर मिठाई के सैंपल तक लिए गए हैं।
ताकि कहीं से भी किसी तरह के कोई नुकसान देही चीज ना इसमें मिक्स किए गए हों। लैब भी भेजे जा रहे हैं ताकि इनका टेस्ट हो सके और फिर ये पता चल सके कि ये सेहत के लिए सही है या नहीं। और चलिए अब एक